सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो लाता रहता हूँ। और आज का वीडियो पटना का होने वाला है, और मतलब 1000 स्क्वायर फीट एक एरिया है, ठीक है। और उसका मैं पूरा मैं डायमेंशन सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ, पूरे डिटेल में मैं वीडियो बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ तो ये लोकेशन है कहाँ पे। पटना में अगम कुआं माता शीतला मंदिर आप लोग जानते होंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी से आपका मैक्सिमम मैं बता दूँ ना तो 500 मीटर का डिस्टेंस पे होने वाला है। ये जो इधर देख रहे हैं ये अगम कुआं पुल है, और जस्ट इसके इधर से आप राजेंद्र नगर, जैसे माता सीता शीतला मंदिर के सामने जो पुल बना हुआ है, जब आप वहाँ से राइट साइड मुड़िएगा जो चला जाता है राजेंद्र नगर की तरफ रास्ते वाले में, उसके जब बीच जाइएगा ना तो आपको ये नाला वाला रास्ता नज़र आने वाला है, जिसके बीच में नाला होने वाला। और राइट लेफ्ट अगर रोड की मैं बात करूँ तो 25-25 फीट मैक्सिमम, नहीं बोल रहा हूँ इससे और भी ज़्यादा ही हो सकता है, मैं लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं तो कर्पूराज नर्मदा करके एक अपार्टमेंट है जो काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है। अब मैं आपको प्रॉपर्टी की तरफ भी मैं लेकर के चलता हूँ, जो जहाँ पे ये प्रॉपर्टी होने वाला है और प्रॉपर्टी के सामने कितने फीट का रोड होने वाला है, वो सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आपको, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लोकेशन अगर नहीं समझ में आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल लोकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पूरा चेकआउट आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब प्रॉपर्टी की तरफ जाने वाला रास्ता की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि ये 25 फीट जो नाला वाला रोड से इधर आता है, इससे जस्ट ये लिंक किया हुआ यानी कि कनेक्ट किया हुआ ये रास्ता जो है आपको ये 12 से 14 फीट का मिलने वाला है। जैसा कि आप इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं, घर द्वार सारा कुछ बना हुआ है, तुरंत आप घर बना करके यहाँ पे आप रह सकते हैं। इसमें आपको एडवांटेज ये होने वाला है कि अभी थोड़ा माफी चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जहाँ तक उससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ तो यहाँ जो ये प्रॉपर्टी होने वाला है, टोटल फ्रंट डेप्थ की मैं बात करूँ, जैसा कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, और इधर टर्न करेंगे ये रहा प्रॉपर्टी अपना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिलर से, जैसा ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये पिलर से लेकर के उस दीवार तक टोटल 21 फीट फ्रंट है, और डेप्थ की मैं बात करूं तो 47 फीट डेप्थ हो जाता है, और ये टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं, थोड़ा दिखाईगा अच्छे से देख सकते हैं कि पूरा घर सारा यहाँ नया नया घर बना हुआ है। इसके इधर भी लेफ्ट राइट लेफ्ट पूरा आप देखिएगा, सारा कुछ घर द्वार सारा कुछ बना हुआ है। इसके सामने जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, जरा इधर दिखाइएगा, इसके सामने जो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये 12 से 14 फीट का रास्ता है, ठीक है, 12 से 14 फीट का रास्ता है। और इस प्रॉपर्टी का रेट की मैं बात करूं तो 67 लाख रुपए में आपका 1000 स्क्वायर फीट है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि 67 लाख रुपए इकट्ठा नहीं, 1000 स्क्वायर फीट है। डायमेंशन आपने जान लिया, लोकेशन सारा कुछ जान गए। इसमें आपको मैं इसका अगर सर्कल रेट की मैं बात करूँ तो 1000 स्क्वायर फीट का होने वाला 30 लाख के आसपास, कट्ठे पे मैं जाऊँ तो 35 लाख रुपया प्रति कट्ठा सर्कल रेट आ जाता है गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से। इसमें आपको बैंक लोन भी हो जाएगा सर्कल रेट के अकॉर्डिंग भी, जैसे आप अपने अनुसार करवा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप आइए विजिट कीजिए। अगर इस यहाँ वाले अगर आप प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आप लोग को मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि और भी किस किस लोकेशंस पे आप लोग को प्रॉपर्टी का वीडियो देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।